हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जेपीएससी न्यूज। जेपीएससी अब तय शेड्यूल के हिसाब से नहीं होगी परीक्षा। आयोग ने जारी की नई तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी संघाय संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 4 सितंबर को जारी होंगे। उम्मीदवार दोपहर 12 बजे से जेपीएससी पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि 4 सितंबर से आने की हो जाए। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आज संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का विवरण जारी कर दिया है। बता दें कि यह परीक्षा पहले 12 सितंबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह परीक्षा 19 सितंबर को होगी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज करी है, उनके लिए आयोग द्वारा प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जेपीएससी के एडमिट कार्ड 4 सितंबर को जारी होंगे। उम्मीदवार कैंडिडेट्स दोपहर 12 बजे से जेपीएससी पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दो पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा, दो सीटिंग में होगा। इन पदों पर होगी। यहाँ पर देखिए, आपका पद हो जाएगा, ठीक है। जेपीएससी परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल 245 देखिए सीट है पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का चयन और सिफारिश करेगा। कुल रिक्तियों में से 44 रिक्तियां डिप्टी कलेक्टर पद के लिए है, 40 पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए है, 16 जिला समन्वयक पद के लिए, 2 प्रत्येक जेल अधीक्षक और सहायक निदेशक पद के लिए, 65 सहायक नगर आयुक्त पद के लिए, 41 झारखंड शिक्षा सेवा के लिए, वहीं जूनियर रजिस्ट्रार पद के लिए 10, सहायक रजिस्ट्रार पद के लिए 6, योजना अधिकारी पद के लिए 9 और प्रोबेशन ऑफिसर पद के लिए 17 सीट जो है यहाँ पे पूरा किया गया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दें। और रीजनल इंडिकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जेपीएससी का आपको हर टाइप का जो वीडियो नॉन जानकारी और हर तरह से इसके रिलेटेड नॉलेज आपकी दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।